नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसे ओम भीम भुस मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस ओम भीम भूस मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इस ओम भीम भूस मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस ओम भीम भूस मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़े से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थके हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सूर्या श्रीनिवास की साल 2024 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है। और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज़ द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads। द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवर ऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन LGBT कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु While Rahul dialogue very also on point, this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this. Don't focus on the negative review. Note everything needs to be seen in a logical manner. It is just an entertaining movie with emotional touch. Do watch the movie. You will enjoy it. Enjoy for this good performance. This movie and good think about very and intelligent. I have everything about a movie that is so all over. Over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I wouldn't do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond of foundation must not be touched I don't and good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good No message. Why kind of the film man movie character? I don't think is hero. There is no positive thing I see in hero or these friend. He is money demand. Hero mind is like villain. Bad dialogue of the good and I hate hero in this film. But of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message. Let everyone live as they like. Even is the good being belong to good and people. And decision has such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
songs are good. Manually, the annual songs are completely family entertainment movie. Don't miss it. While watching the film, don't forget the only magic, no logic. Must watch film, full comedy and non-stop entertainment. First half is amazing with hilarious jokes and second half is little bit horse comedy and it was good. Actually, in my favorite, the movie was very good and it gives a message like everyone has a right to live their own life, no and good reputation. Rest for this, it is nice movie full of comedy and also as said, no logic. I confused is one scene. This don't know anything about treatment is good. I just cannot understand. Also, the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature. I just cried at climax dialogue of Sampangi. What a great story of the Sampangi. I just soak about this patterns. Really great message for the world. I love the Chris Airy style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by Insta by song but feel for story. Line acting by Sampangi, role 3 and 3 man actress. What a climax, really amazing, emotional bounded, a must watch movie. If you love Telugu comedy, absolutely love this movie. The try is good combination, I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good thing about best of incredible. My love was awesome, the most characterization movies recent Telugu movie, the best movie from the director and Sri Vishnu Anna. Love you Anna because me script selection awesome. Watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous, one of the best Telugu horror comedy with a good message, brilliant dialogue, super acting by Sampangi, the Manish Kumar which gives an emotional ending to take home. The movie was fine with good comedy and good recommended. The song written up to mark and the movie had love scenes which very not real and good think about, really nice entertainment for this movie. साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस। द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज़ द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads। द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एज एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरोम श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु स्नू वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो ऑल over the palace both in a good and bad way it is really tested by maintains the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are सर्विस एंड गुड थिंक अबाउट एक्सटेंड बट आई वुड डू नॉट एंड द मूवी एक्सटेंड पार्ट एनी वन सून ऑफ द गुड आई डोंट इवेंचुअली राइट रिव्यू बट द मूवी is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over antiquation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond of foundation must not be touched I don't and good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I hate hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and least because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision has such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the fun of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड रेपुटेशन वर्स्ट फॉर दिस इट इज नाइस मूवी फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्सो एज सैड नो लॉजिक आई कन्फ्यूज इज वन सीन दिस डोंट न्यू एनीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट इज गुड आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो द सॉन्ग प्ले वेरी हीरो एंड गोस्ट मिट इज द सो गुड आईली एंड इट रिकमांडेड लिटरेचर आई जस्ट क्राइड एट क्लिमिक्स डायलॉग ऑफ संपरांगी वाट ए ग्रेट स्टोरी ऑफ द संपांगी आई जस्ट सोक अबाउट दिस पैटर्न्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर वर्ल्ड आई लव द क्रिस एयर स्टाइल आई एम वेरी ग्लैड बाई वॉचिंग दिस मूवी आई कम थ्रू आउट दिस मूवी बाई इंस्टा बाई सॉन्ग बट फील फॉर स्टोरी लाइन एक्टिंग बाई संपांगी रोल थ्री एंड थ्री मैन एक्ट्रेस वाट ए क्लिमिक्स रियली अमेजिंग इमोशनल बाउंड्रेड ए मस्ट वॉच मूवी इफ यू लव तेलुगु कॉमेडी अब्सोल्युटली लव दिस मूवी द ट्राई इज गुड कॉम्बिनेशन आई लंच एंड गुड एंटरटेनमेंट गारंटिंग दिस फिल्म वॉज अमेजिंग फर्स्ट हाल्फ वॉज ए बिट एटमॉस्फेयर एंड गुड थिंक अबाउट बेस ऑफ इनक्रेडिबल माई लव वॉज अवेसम द मोस्ट क्रिटिसाइजेशन मूवीज रिसेंट तेलुगु मूवी द बेस्ट मूवी फ्रॉम द डायरेक्टर एंड श्री विष्णु अन्ना लव यू अन्ना बिकॉज मी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अवेसम वतंडू ऑलवेज एंड गुड स्टार्टिंग फॉर द फिल्म इज मे सीम अनवर्थ बट ऑफ यू डून एक्सीलेंट म्यूजिक एंड द एक्टर फेबुलस वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु हॉरर कॉमेडी विथ ए गुड मैसेज ब्रिलियंट डायलॉग सुपर एक्टिंग बाय संपांगी द मनीष कुमार विच गिव्स एन इमोशनल एंडिंग टू टेक होम द मूवी वॉज फाइन विथ गुड कॉमेडी एंड गुड रिकमांडेड द सॉन्ग रिटन अप टू मार्क एंड द मूवी एड लव सीन्स विच वेरी नॉट रियल एंड गुड थिंक अबाउट रियली नाइस एंटरटेनमेंट फॉर दिस मूवी साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एज एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फीलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु नो वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो ऑल over the palace both in a good and bad way it is really tested by maintains the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is kartikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिव्स ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड reputation rushed for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for world I love the Chris hairstyle. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by Insta by song, but feel for story line acting by Sampangi role 3 and 3 man actress. What a climax! Really amazing emotional bounded. A must watch movie. If you love Telugu comedy, absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good. Good think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent telugu movie the best movie from the director and sri vishnu anna love you anna because me script selection awesome watandu always and good starting for the film is may seem unworth betting of you done excellent music and the actor fabulous one of the best telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by sampangi the manish kumar which gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not trivial and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज़ हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्टर टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads. द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर ड्यूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग एपी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरिज स्टाइल एंड इज डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशिकल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दार्सी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शी एंड श्री विष्णु स्नो वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो आल over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the lateral part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are सर्विस एंड गुड थिंक अबाउट एक्सटेंड बट आई वुड डू नॉट एंड द मूवी एक्सटेंड पार्ट एनी वन सून ऑफ द गुड आई डोंट इवेंचुअली राइट रिव्यू बट द मूवी इज जस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग टू ब्रिंग अवेयरनेस वन मस्ट नॉट रन द पिलर्स ग्रिप्ट बाय द ओवर एंटिकेशन मैसेज इज क्लियर एंड गुड बट द वे ऑफ रेपुटेशन इज एक्टिंग डिजास्टर सम सीन्स हार्ट ए लोट कटिंग द जेट ऑफ अगोरी पर्सनैलिटी एंड प्रोविकिंग हिज करैक्टर एज गुड द करैक्टर बॉलीवुड ड्रामा वूमैन ऑफ द मूवी आर जस्ट रिपटरी प्रजेंटेशन एज मैर एंटरटेनमेंट वू लगार एंड डिस्कटिंग एज ए डायरेक्टर इज कार्तिकेयन इज ब्रिंग रेस्पेक्ट टू द माइंड of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't and good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am safe watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the fun of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिव्स ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड रेपुटेशन रस्ट फॉर दिस इट इज नाइस मूवी फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्सो एज सैड नो लॉजिक आई कन्फ्यूज इज वन सीन दिस डोंट न्यू एनीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट इज गुड आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो द सॉन्ग प्ले वेरी हीरो एंड गोस्ट मिट इज द सो गुड आईली एंड इट रिकमांडेड लिटरेचर आई जस्ट क्राइड एट क्लिमिक्स डायलॉग ऑफ संपरांगी वाट ए ग्रेट स्टोरी ऑफ द संपांगी आई जस्ट सोक अबाउट दिस पैटर्न्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर वर्ल्ड आई लव द क्रिस एयर स्टाइल आई एम वेरी ग्लैड बाई वॉचिंग दिस मूवी आई कम थ्रू आउट दिस मूवी बाई इंस्टा बाई सॉन्ग बट फील फॉर स्टोरी लाइन एक्टिंग बाई संपांगी रोल थ्री एंड थ्री मैन एक्ट्रेस वाट ए क्लिमिक्स रियली अमेजिंग इमोशनल बाउंड्रेड ए मस्ट वॉच मूवी इफ यू लव तेलुगु कॉमेडी अब्सोल्युटली लव दिस मूवी द ट्राई इज गुड कॉम्बिनेशन आई लंच एंड गुड एंटरटेनमेंट गारंटी दिस फिल्म वॉज अमेजिंग फर्स्ट हाल्फ वॉज ए बिट एटमॉस्फेयर एंड गुड थिंक अबाउट बेस ऑफ इनक्रेडिबल माई लव वॉज अवेसम द मोस्ट क्रिटिसाइजेशन मूवीज रिसेंट तेलुगु मूवी द बेस्ट मूवी फ्रॉम द डायरेक्टर एंड श्री विष्णु अन्ना लव यू अन्ना बिकॉज मी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अवेसम वतंडू ऑलवेज एंड गुड स्टार्टिंग फॉर द फिल्म इज मे सीम अन वर्थ बट ऑफ यू डून एक्सीलेंट म्यूजिक एंड द एक्टर फेबुलस वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु हॉरर कॉमेडी विथ ए गुड मैसेज ब्रिलियंट डायलॉग सुपर एक्टिंग बाई संपांगी द मनीष कुमार विच गिवज एन इमोशनल एंडिंग टू टैक ओम द मूवी वॉज फाइन विथ गुड कॉमेडी एंड गुड रिकमांडेड द सॉन्ग रिटन अप टू मार्क एंड द मूवी एड लव सीन्स विच वेरी नॉट रियल एंड गुड थिंक अबाउट रियली नाइस एंटरटेनमेंट फॉर दिस मूवी साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेट बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एंजॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवर ऑल ए मस्ट वॉज
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग एपी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु स्नू वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो ऑल over the palace both in a good and bad way it is really tested by maintenance the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the lateral part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are सर्विस एंड गुड थिंक अबाउट एक्सटेंड बट आई वुड डू नॉट एंड द मूवी एक्सटेंड पार्ट एनीवन सून ऑफ द गुड आई डोंट इवेंचुअली राइट रिव्यू बट द मूवी is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over antiquation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't and good om beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy it will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I hate hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाफ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाफ इज लिटिल बिट हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड रेपुटेशन रस्ट फॉर दिस इट इज नाइस मूवी फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्सो एज सैड नो लॉजिक आई कन्फ्यूज इज वन सीन दिस डोंट न्यू एनीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट इज गुड आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो द सॉन्ग प्ले वेर हीरो एंड गोस्ट मिट इज द सो गुड आईली एंड इट रिकमांडेड लिटरेचर आई जस्ट क्राइड एट क्लिमिक्स डायलॉग ऑफ संपरांगी वाट ए ग्रेट स्टोरी ऑफ द संपांगी आई जस्ट सोक अबाउट दिस पैटर्न्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर वर्ल्ड आई लव द क्रिस एयर स्टाइल आई एम वेरी ग्लैड बाई वॉचिंग दिस मूवी आई कम थ्रू आउट दिस मूवी बाई इंस्टा बाई सॉन्ग बट फील फॉर स्टोरी लाइन एक्टिंग बाई संपांगी रोल थ्री एंड थ्री मैन एक्ट्रेस वाट ए क्लिमिक्स रियली अमेजिंग इमोशनल बाउंड्रेड ए मस्ट वॉच मूवी इफ यू लव तेलुगु कॉमेडी अब्सोल्युटली लव दिस मूवी द ट्राई इज गुड कॉम्बिनेशन आई लंच एंड गुड एंटरटेनमेंट गारंटी दिस फिल्म वॉज अमेजिंग फर्स्ट हाफ वॉज ए बिट एटमॉस्फेयर एंड गुड थिंक अबाउट बेस ऑफ इनक्रेडिबल माई लव वॉज अवेसम द मोस्ट क्रिटिसाइजेशन मूवीज रिसेंट तेलुगु मूवी द बेस्ट मूवी फ्रॉम द डायरेक्टर एंड श्री विष्णु अन्ना लव यू अन्ना बिकॉज मी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अवेसम वतंडू ऑलवेज एंड गुड स्टार्टिंग फॉर द फिल्म इज मे सीम अनवर्थ बट ऑफ यू डून एक्सीलेंट म्यूजिक एंड द एक्टर फेबुलस वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु हॉरर कॉमेडी विद ए गुड मैसेज ब्रिलियंट डायलॉग सुपर एक्टिंग बाय संपांगी द मनीष कुमार विच गिव्स एन इमोशनल एंडिंग टू टेक होम द मूवी वॉज फाइन विद गुड कॉमेडी एंड गुड रिकमांडेड द सॉन्ग रिटर्न अप टू मार्क एंड द मूवी एड लव सीन्स विच वेरी नॉट रियल एंड गुड थिंक अबाउट रियली नाइस एंटरटेनमेंट फॉर दिस मूवी। साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है। और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाफ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज़ द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स। द सेकेंड हाफ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशिकल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरोम श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु स्नू वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो आल over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Zarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are सर्विस एंड गुड थिंक अबाउट एक्सटेंड बट आई वुड डू नॉट एंड द मूवी एक्सटेंड पार्ट एनी वन सून ऑफ द गुड आई डोंट इवेंचुअली राइट रिव्यू बट द मूवी is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over antiquation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond of foundation must not be touched I don't and good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I hate hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision has such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the fun of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड reputation rest for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for world I love the Chris Airy style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by insta by song but feel for story line acting by Sampangi role 3 and 3 man actress. What a climax really amazing emotional bounded a must watch movie. If you love Telugu comedy absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good. Good think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent telugu movie the best movie from the director and sri vishnu anna love you anna because me script selection awesome watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous one of the best telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by sampangi the manish kumar which gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not real and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज़ हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्टर टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग एपी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई अज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड इज डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शी एंड श्री विष्णु Snow while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative review note everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over the palace both in a good and bad way it is really tested by maintenance the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the lateral part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I wouldn't do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is kartikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy it will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am safe watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or this friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड reputation rushed for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for the world I love the Chris hairstyle. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by Insta by song, but feel for story line acting by Sampangi role three and three main actress. What a climax! Really amazing, emotional bounded. A must watch movie. If you love Telugu comedy, absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent telugu movie the best movie from the director and sri vishnu anna love you anna because me script selection awesome watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous one of the best telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by sampangi the manish kumar which gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not trivial and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज़ हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है। और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्टर टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई अज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरिज स्टाइल एंड इज डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशिकल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरोम श्री विष्णु राहुल एंड दार्सी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शी एंड श्री विष्णु while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative review not everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the little part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I wouldn't do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over antiquation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is kartikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or this friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the fun of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विद हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विद हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिव्स ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड रेपुटेशन रस्ट फॉर दिस इट इज नाइस मूवी फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्सो एज सैड नो लॉजिक आई कन्फ्यूज इज वन सीन दिस डोंट न्यू एनीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट इज गुड आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो द सॉन्ग प्ले वेरी हीरो एंड गोस्ट मिट इज द सो गुड आईली एंड इट रिकमांडेड लिटरेचर आई जस्ट क्राइड एट क्लिमिक्स डायलॉग ऑफ संपरांगी वाट ए ग्रेट स्टोरी ऑफ द संपांगी आई जस्ट सोक अबाउट दिस पैटर्न्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर वर्ल्ड आई लव द क्रिस एयर स्टाइल आई एम वेरी ग्लैड बाई वॉचिंग दिस मूवी आई कम थ्रू आउट दिस मूवी बाई इंस्टा बाई सॉन्ग बट फील फॉर स्टोरी लाइन एक्टिंग बाई संपांगी रोल थ्री एंड थ्री मैन एक्ट्रेस वाट ए क्लिमिक्स रियली अमेजिंग इमोशनल बाउंड्रेड ए मस्ट वॉच मूवी इफ यू लव तेलुगु कॉमेडी अब्सोल्युटली लव दिस मूवी द ट्राई इज गुड कॉम्बिनेशन आई लंच एंड गुड एंटरटेनमेंट गारंटी दिस फिल्म वॉज अमेजिंग फर्स्ट हाल्फ वॉज ए बिट एटमॉस्फेयर एंड गुड थिंक अबाउट बेस ऑफ इनक्रेडिबल माई लव वॉज अवेसम द मोस्ट क्रिटिसाइजेशन मूवीज रिसेंट तेलुगु मूवी द बेस्ट मूवी फ्रॉम द डायरेक्टर एंड श्री विष्णु अन्ना लव यू अन्ना बिकॉज मी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अवेसम वतंडू ऑलवेज एंड गुड स्टार्टिंग फॉर द फिल्म इज मे सीम अन वर्थ बट ऑफ यू डून एक्सीलेंट म्यूजिक एंड द एक्टर फेबुलस वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु हॉरर कॉमेडी विथ ए गुड मैसेज ब्रिलियंट डायलॉग सुपर एक्टिंग बाय संपांगी द मनीष कुमार विच गिव्स एन इमोशनल एंडिंग टू टेक होम द मूवी वॉज फाइन विथ गुड कॉमेडी एंड गुड रिकमांडेड द सॉन्ग रिटन अप टू मार्क एंड द मूवी एड लव सीन्स विच वेरी नॉट रियल एंड गुड थिंक अबाउट रियली नाइस एंटरटेनमेंट फॉर दिस मूवी साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेट बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एंजॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवर ऑल ए मस्ट वॉच
ask for those who want to have a great and good one to talk about a theater filling happy to content a sensitive topic is so is humorous yet serious and effective way I assume this is the first movie in Telugu which has shed light on LGBT content in positive way all three actors have done a decent job must tell the lead Sri Vishnu approach a bit irritating in the beginning but eventually starting like of this good memories style and his dialogue delivery one must approachment from of choosing such a script which has a strong social cues which must of the actor Danny doing and last some you have the my heart I don't usually write review but after seeing some of the negative review about this film online I wanted to share my expression as a fan of Bachelor I had to watch this film for this Tirum Sri Vishnu Rahul and Darcy I enjoy watching this film is cute entertaining I like screen presence of Darcy and Sri Vishnu while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative review note everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthan do of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character Bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy wit be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or this friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
songs are good. Manually, the annual songs a completely family entertainment movie. Don't miss it. While watching the film, don't forget the only magic, no logic. Must watch film, full comedy and non-stop entertainment. First half is amazing with hilarious jokes and second half is little bit horse comedy and it was good. Actually, in my favorite, the movie was very good and it gives a message like everyone has a right to live their own life. No and good reputation rushed for this. It is nice movie full of comedy and also as said no logic. I confuse is one scene. This don't know anything about treatment is good. I just cannot understand. Also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature. I just cried at climax dialogue of Sampangi. What a great story of the Sampangi. I just soak about this patterns really great message for world. I love the Chris Airy style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by insta by song but feel for story line acting by Sampangi role 3 and 3 man actress. What a climax really amazing emotional bounded a must watch movie. If you love Telugu comedy absolutely love this movie. The try is good combination eye lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good think about best of incredible. My love was awesome. The most characterization movies recent Telugu movie. The best movie from the director and Sri Vishnu Anna. Love you Anna because me script selection awesome. Watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous. One of the best Telugu horror comedy with a good message. Brilliant dialogue super acting by Sampangi. The Manish Kumar which gives an emotional ending to take home. The movie was fine with good comedy and good recommended. The song written up to mark and the movie had love scenes which very not real and good think about really nice entertainment for this movie. साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की. जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी. जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी. तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है. और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी. अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी. अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी. अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की. तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी. तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया. वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है. और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे. और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में. इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस. द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एंजॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads. द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वांट टू टॉक अबाउट ए थिएटर फीलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशिकल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु Snow while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative review note everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond of foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision has such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new age reference and elevated the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड reputation rest for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for world I love the Chris Airy style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by insta by song but feel for story line acting by Sampangi role 3 and 3 man actress. What a climax really amazing emotional bounded a must watch movie. If you love Telugu comedy absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good. Think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent Telugu movie the best movie from the director and Sri Vishnu Anna love you Anna because me script selection awesome Watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous one of the best Telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by Sampangi the Manish Kumar with gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not real and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज़ हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्टर टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एंजॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द 3 leads द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग एपी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरोम श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शी एंड श्री विष्णु स्नू वाइल राहुल डायलॉग वेरी आल्सो ऑन पॉइंट दिस मूवी आल्सो डिलीवरी ए लवली मैसेज टू न्यू दैट यू हैव टू द वॉच दिस डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव रिव्यू नोट एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन इन लॉजिकल मैनर इट इज जस्ट एन एंटरटेनिंग मूवी विथ इमोशनल टच डू वॉच द मूवी यू विल एंजॉय इट एंजॉय फॉर दिस गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड इंटेलिजेंट आई हैव एवरी थिंक अबाउट ए मूवी दैट इज सो ऑल over the palace both in a good and bad way it is really tested by maintenance the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the lateral part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over antiquation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some sense heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good om beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy it will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am safe watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज लिटरिंग विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड रेपुटेशन वर्स्ट फॉर दिस इट इज नाइस मूवी फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्सो एज सैड नो लॉजिक आई कन्फ्यूज इज वन सीन दिस डोंट न्यू एनीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट इज गुड आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो द सॉन्ग प्ले वेरी हीरो एंड गोस्ट मिट इज द सो गुड आईली एंड इट रिकमांडेड लिटरेचर आई जस्ट क्राइड एट क्लिमिक्स डायलॉग ऑफ संपरांगी वाट ए ग्रेट स्टोरी ऑफ द संपांगी आई जस्ट सोक अबाउट दिस पैटर्न्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर वर्ल्ड आई लव द क्रिस एयर स्टाइल आई एम वेरी ग्लैड बाई वॉचिंग दिस मूवी आई कम थ्रू आउट दिस मूवी बाई इंस्टा बाई सॉन्ग बट फील फॉर स्टोरी लाइन एक्टिंग बाई संपांगी रोल थ्री एंड थ्री मैन एक्ट्रेस वाट ए क्लिमिक्स रियली अमेजिंग इमोशनल बाउंड्रेड ए मस्ट वॉच मूवी इफ यू लव तेलुगु कॉमेडी अब्सोल्युटली लव दिस मूवी द ट्राई इज गुड कॉम्बिनेशन आई लंच एंड गुड एंटरटेनमेंट गारंटी दिस फिल्म वॉज अमेजिंग फर्स्ट हाल्फ वॉज ए बिट एटमॉस्फेयर एंड गुड थिंक अबाउट बेस ऑफ इनक्रेडिबल माई लव वॉज अवेसम द मोस्ट क्रिटिसाइजेशन मूवीज रिसेंट तेलुगु मूवी द बेस्ट मूवी फ्रॉम द डायरेक्टर एंड श्री विष्णु अन्ना लव यू अन्ना बिकॉज मी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अवेसम वतंडू ऑलवेज एंड गुड स्टार्टिंग फॉर द फिल्म इज मे सीम अनवर्थ बट ऑफ यू डून एक्सीलेंट म्यूजिक एंड द एक्टर फेबुलस वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु हॉरर कॉमेडी विथ ए गुड मैसेज ब्रिलियंट डायलॉग सुपर एक्टिंग बाय संपांगी द मनीष कुमार विच गिव्स एन इमोशनल एंडिंग टू टेक होम द मूवी वॉज फाइन विथ गुड कॉमेडी एंड गुड रिकमांडेड द सॉन्ग रिटन अप टू मार्क एंड द मूवी एड लव सीन्स विच वेरी नॉट रियल एंड गुड थिंक अबाउट रियली नाइस एंटरटेनमेंट फॉर दिस मूवी साल 2024 में रिलीज़ हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद, जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है। और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्टर टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम बट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई अज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जो मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड इज डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई आर्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शन एंड श्री विष्णु while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative you note everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond a foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the fun of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptance to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिव्स ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ओन लाइफ नो एंड गुड reputation rushed for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for world I love the Chris Air style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by Insta by song, but feel for story line acting by Sampangi role three and three man actress. What a climax! Really amazing, emotional bounded. A must watch movie. If you love Telugu comedy, absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and. Good think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent telugu movie the best movie from the director and sri vishnu anna love you anna because me script selection awesome watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous one of the best telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by sampangi the manish kumar which gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not trivial and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है। और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज़ द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स। द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एज एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई आर्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु रावल एंड दार्सी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु while Rahul dialogue very also on point this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this don't focus on the negative you note everything needs to be seen in a logical manner it is just an entertaining movie with emotional touch do watch the movie you will enjoy it enjoy for this good performance this movie and good think about very and intelligent I have everything about a movie that is so all over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mertens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthandu of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I would do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is kartikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scenes of Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond of foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience was this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good no message why kind of the film man movie character I don't think is hero there is no positive thing I see in hero or these friend he is money demand hero mind is like villain bad dialogue of the good and I at hero in this film but of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message let everyone live as they like even is the good being belong to good and people and decision such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevated the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरीवन हैज ए राइट टू लाइव देयर ओन लाइफ नो एंड गुड reputation rest for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also the song play where hero and ghost meet is the so good highly and it recommended literature I just cried at climax dialogue of sampangi what a great story of the sampangi I just soak about this patterns really great message for world I love the Chris Airy style. I am very glad by watching this movie. I come throughout this movie by Insta by song, but feel for story line acting by Sampangi role three and three man actress. What a climax! Really amazing, emotional bounded. A must watch movie. If you love Telugu comedy, absolutely love this movie. The try is good combination. I lunch and good entertainment guaranteeing. This film was amazing. First half was a bit atmosphere and good. Good think about best of incredible my love was awesome the most characterization movies recent telugu movie the best movie from the director and sri vishnu anna love you anna because me script selection awesome watandu always and good starting for the film is may seem unworth but of you done excellent music and the actor fabulous one of the best telugu horror comedy with a good message brilliant dialogue super acting by sampangi the manish kumar which gives an emotional ending to take home the movie was fine with good comedy and good recommended the song written up to mark and the movie had love scenes which very not trivial and good think about really nice entertainment for this movie साल 2024 में रिलीज हुई ओम भीम भूस मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी सूर्या श्रीनिवास के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था ओम भीम भूस मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी कॉमेडी और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि ओम भीम भूस मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटे 30 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 30 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 68% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.8 है और इस ओम भीम भूस मूवी की रिलीज डेट 22 मार्च 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर श्री हर्षा कोंगंटी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं ओम भीम भूस मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इट इज़ ब्यूटिफुल फिल्म क्राफ्ट टू एंटरटेनमेंट एंड काइंड ऑफ ऑडियंस द फर्स्ट हाल्फ एज ए मोर लेड बैक कॉमेडी एंड इज पिट पुनी बट इज़ द एन्जॉयबल थैंक्स टू द एक्टिंग ऑफ द थ्री लीड्स द सेकेंड हाल्फ इज वेयर द हार्ट ऑफ द मूवी लाइन्स ए वेरी वेल क्राफ्ट सेकेंड एंड गुड ब्यूटिफुल मैसेज सेल द लीड ऑफ द मूवी स्पेशल मैंशन टू द एक्टर मनीष कुमार हु पोर्टेबल सम्पट वी वॉज ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड एवरी फ्रेम ओवरऑल ए मस्ट वॉच
खास फॉर दूज हु वांट टू हैव ए ग्रेट एंड गुड वन टू टॉक अबाउट ए थिएटर फिलिंग हैप्पी टू कंटेंट ए सेंसिटिव टॉपिक इज सो इज ह्यूमरस येट सीरियस एंड इफेक्टिव वे आई एज्यूम दिस इज द फर्स्ट मूवी इन तेलुगु विच हैज शेड लाइट ऑन एलजीबीटी कंटेंट इन पॉजिटिव वे ऑल थ्री एक्ट्रेस हैव डन ए डिसेंट जॉब मस्ट टेल द लीड श्री विष्णु अप्रोच ए बिट इरिटेटिंग इन द बिगिनिंग बट इवेंचुअली स्टार्टिंग लाइक ऑफ दिस गुड मेमोरीज स्टाइल एंड दिस डायलॉग डिलीवरी वन मस्ट अप्रोचमेंट फ्रॉम ऑफ चूसिंग सच ए स्क्रिप्ट विच हैज ए स्ट्रॉन्ग सोशिकल क्यूज विच मस्ट ऑफ द एक्टर डैनी डोइंग एंड लास्ट सम यू हैव द माई हार्ट आई डोंट यूजली राइट रिव्यू बट आफ्टर सींग सम ऑफ द नेगेटिव रिव्यू अबाउट दिस फिल्म ऑनलाइन आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सप्रेशन एज ए फैन ऑफ बैचलर आई हैड टू वॉच दिस फिल्म फॉर दिस टीरो श्री विष्णु राहुल एंड दारसी आई एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म इज क्यूट एंटरटेनिंग आई लाइक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ दर्शिम एंड श्री विष्णु While Rahul dialogue very also on point, this movie also delivery a lovely message to know that you have to the watch this. Don't focus on the negative review. Note everything needs to be seen in a logical manner. It is just an entertaining movie with emotional touch. Do watch the movie. You will enjoy it. Enjoy for this good performance. This movie and good think about very and intelligent. I have everything about a movie that is so all over. Over the palace both in a good and bad way it is really tested by Mattens the entry first half is filled with the crass comedy while the director decide to reward our patience in the later part of the second half I wonder where all the sensitivity went of the good writing all those vulgar joke for the first half for the all mindless I absolutely love Jayarthan do of but this one felt to drag out of the missed up the last 40 minutes are service and good thing about extend but I wouldn't do not end the movie extend part anyone soon of the good I don't eventually write review but the movie is just beyond everything to bring awareness one must not run the pillars gripped by the over anticipation message is clear and good but the way of reputation is acting disaster some scenes heart a lot cutting the jet of agori personality and provoking his character as good the character bollywood drama woman of the movie are just a repertory presentation as mere entertainment vulgar and disgusting as a director is Karthikeyan is bring respect to the mind of the audience not swaying with the waves world and the scene so Russian actor through hair Mangalustra is just and I have no words you need research or understand reason beyond everything before show is the people world change is must beyond our foundation must not be touched I don't end good home beam boost my reaction while watching this film positive comedy I launch at few scenes good if the film continue with good comedy with be will be good and concept is also good but because of director and screenplay mistake finally is really negative lag low my god how much lag in this film when your patience will be tested look I skip few scenes how audience watch this film theater lol I am sapping watching this no message is the end you will end release theater is no message and part second lol what is the good No message. Why kind of the film man movie character? I don't think is hero. There is no positive thing I see in hero or these friend. He is money demand. Hero mind is like villain. Bad dialogue of the good and I hate hero in this film. But of the entertainment worth watching a couple of times and list because of the comedy well made movie with some good message. Let everyone live as they like. Even is the good being belong to good and people. And decision has such a funny movie cute entertaining with dialogue based comedy with a ton of new as reference and elevating the front of the good and surprise this comedy movie career lovely message about diversity and acceptation to this is my first review I am going to give on any kind of movie if you are have scenes of humor they kind of enjoy this movie if you are enjoy feel good love this of the feel a true love movies magic no logic you and good see of the good sold and encourage just a completely comedy film I just love it the dialogue are just awesome
सॉन्ग्स आर गुड मैनुअली द एनुअल सॉन्ग्स ए कंप्लीटली फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी डोंट मिस इट वाइल वॉचिंग द फिल्म डोंट फॉरगेट द ओनली मैजिक नो लॉजिक मस्ट वॉच फिल्म फुल कॉमेडी एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फर्स्ट हाल्फ इज अमेजिंग विथ हिलेरियस जोक्स एंड सेकेंड हाल्फ इज रिटन विथ हॉर्स कॉमेडी एंड इट वॉज गुड एक्चुअली इन माई फेवरेट द मूवी वॉज वेरी गुड एंड इट गिवज ए मैसेज लाइक एवरी वन हैज ए राइट टू लाइव देयर ऑन लाइफ नो एंड गुड reputation rest for this it is nice movie full of comedy and also as said no logic I confuse is one scene this don't know anything about treatment is good I just cannot understand also